आगे और बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। जी हाँ, राहुल गांधी के संसद सदस्यता को लेकर के जो संग्राम छिड़ा हुआ है, जो सियासी बवाल हो रहा है, जिससे कांग्रेस पार्टी काफी आग बबूला है, इस मुद्दे को लेकर के कांग्रेस पार्टी एक बड़े संग्राम की तैयारी में है। और इसको लेकर कल बैठक भी हुई। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि हम इससे डरेंगे नहीं, और राहुल गांधी आज इसी को लेकर के आज जो मीडिया से बात भी करने वाले हैं, देखिए अपडेट इस रिपोर्ट के जरिए। राहुल गांधी की संसद सदस्यता को लेकर सियासत चरम पर है। पूरा विपक्ष मोदी सरकार के खिलाफ हमलावर है। कांग्रेस संसद से सड़क तक संग्राम की तैयारी कर रही है। शुक्रवार को भी देश के कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन किए गए। शुक्रवार को राहुल गांधी की अयोग्यता पर कांग्रेस नेताओं ने दिल्ली में अहम बैठक की और आगे की रणनीति के लिए एक समिति बनाने का फैसला किया। जो भाषण दिया मेरे भाई ने, उसके बाद अचानक उस कंप्लेंट ने उस केस को जिंदा क्यों किया? अगर ये सरकार अडानी पे जवाब देना नहीं चाहती, डरती है इन सवालों से, इसीलिए ये पूरी प्लानिंग के तहत किया गया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि हमारी रगों में शहीदों का खून है, हम डट कर लड़ेंगे, हम डरने वाले नहीं हैं। अडानी मुद्दे पर सवाल पूछने पर राहुल के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस मुद्दे पर आज राहुल गांधी दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। शुक्रवार को राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि मैं भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूं, मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूं। राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद वायनाड सीट खाली घोषित कर दी गई है। एक तो गलती करना, बाद में माफी नहीं मांगना, और जब कोर्ट का डिसीजन आता है, एक बीजेपी का डिसीजन है क्या? कोर्ट के ऊपर विश्वास नहीं है क्या? तो लोग उनको ठीक तरह से सबक सिखाएंगे तो किसके लिए वो एजिटेशन कर रहे पहले ये बता दे। कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी को जानबूझकर डिस्क्वालीफाई किया गया है। अगले हफ्ते कांग्रेस दिल्ली चलो रैली का आह्वान करेगी।